बटी साहब मुझे बताइएगा कि एक तो ये जो अंसार वाइस साहब कह रहे थे इमरान खान साहब कि अब जो भी टीम है भट्टी साहब 3 साल तो हो गए ना, और वो शेख रशीद साहब खुद भी कहते हैं कि जी आखिरी साल है परफॉर्मेंस का, उसके बाद तो 5वां साल तो इलेक्शन का होता है, फिर कोई परफॉर्मेंस लोग गिनते नहीं। आपको लगता है कि आप खान साहब इसी टीम के साथ आगे कंटिन्यू करेंगे टू ट्राई एंड गिव अ बेटर परफॉर्मेंस, या अभी भी कोई टीम तब्दील हो सकती है इमरान खान साहब? देखे इत्तेशाम, जब आदमी किसी बड़े मकसद के लिए कोई जद्दोजहद करता है और उसमें अपनी ज़ात को नफ़ी करता है तो फिर उसे मुश्किल फ़ैसले करने पड़ते हैं। अगर मफाद के लिए अपने फ़ैसले करने हैं तो फिर आपका मकसद बहुत छोटा है। आपका मकसद किसी भी चीज़ का हसूल है तो फिर आप जद्दोजहद की बात ना करें। टीम बनाना कप्तान की जिम्मेदारी है। क्या अपने इर्द गिर्द वो देखें इर्द गिर्द और मुझे बताए खुदा को हाजर नाजर जान के कोई बंदा, क्या हम इस हालात में जिस तरह जिंदगी गुजार रहे हैं रियासत मदीना के साथ इसको तशबीह दी जा सकती है? मैं इनमें से बहुत सारे लोगों को जानता हूं, मैं सबसे गुनाहगार आदमी हूं पाकिस्तान का। अगर टीम आप खुद सेलेक्ट नहीं कर पा रहे, टीम बनाना कप्तान अगर अच्छी टीम नहीं बना रहा तो यह भी दाहली है। ये कोई तरीका नहीं है कि आप टीम खुद ना बना पाए, अपने कंप्रोमाइज कर लें कि मैंने हुकूमत बचानी है और उसका जिम्मेदार भी लोगों को करार दें। अगर आप ये प्रोग्राम चला रहे हैं तो मिनिस्टर तशामुद्दीन की जिम्मेदारी इस प्रोग्राम को बैलेंस लेके चलना। अगर मैं एक चैनल चला रहा हूं तो मेरी जिम्मेदारी है, मैं ये नहीं रोना रो सकता मुझे क्या मिला है, मिलना है 2-4-6 महीने रोना मेरा कोई सुन लेगा, अगले दिन अगला चित्तर मारेगा कहेगा चल बाहर तुझे 1 साल हो गया बड़ा टाइम दिया है। तो अब हालात अच्छे हैं या बुरे इसे ऑन करना होगा। मेरी एक सिर्फ प्राइम मिनिस्टर से हाथ जोड़ के गुजारिश है, खुदा रसूल के वास्ते पाकिस्तान को मौजूदा मदीने की रियासत ना कहे, ना कहे, ना कहें, ना कहते हैं कि हम उसके क्योंकि जिस चीज का कंपटीशन बड़ी साहब एक और चीज हो रहा है ना, अनबिलीवेबल है। ठीक, अनबिलीवेबल है। अच्छा, आपने 3 साल में पहले बता दें, छोड़ दें मदीने की रियासत, क्या एजुकेशन में बेहतरी आ गई? कोई एक स्कूल बता दें जिसमें कोई सरकारी अफसर ब्यूरोक्रेट या वजीर अपना बच्चा करा रहा है सरकारी हस्पताल? इंसाफ के मामले, आपका वाबड़ा में मीटर लगाना राइट है क्या बगैर करप्शन के लग रहा है? आपका डोमिसाइल लेना आपका राइट है क्या बगैर हो रहा है? आप छोटी छोटी चीजें देखें, बड़ी चीजें ना देखें, करप्शन हमेशा होती है। ये आप 3 साल में, आप खुद प्राइम मिनिस्टर साहब फरमाते थे रोजाना 10 से 12 अरब करप्शन है। अगर वो पैसा आप बचा लें उसमें से सिर्फ 50% 20% तो पाकिस्तान का कर्जा उतर जाए। देखिए जब आप हाकमे वक्त है, चाहे वो उसका नाम नवाज शरीफ है, आसफ अली जरदारी है, जफरुल्ला जमाली है, मोहतरम इमरान खान साहब है या मोहतरमा बेनजीर है, उन्हें जवाब देना है। अब 3 साल में आपने बताना है आपने क्या किया, क्या करना है, कौन जीता है तेरी जुल्फ के सर होने तक। दावे तो हर आदमी बड़े करते हैं, ठीक है, दावे तो हर आदमी बुलंद करता है। बिलावल साहब भी कहते हैं कि मैं 4 सूबों में जीतूंगा। अब रिजल्ट चाहिए, रिजल्ट, बातों से नहीं बहलेगा दिल।